हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइबर्स, लाइकर्स, व्यूअर्स एंड रिस्पेक्टेड गार्जियंस, आज मैं राकेश शर्मा फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स चैनल के इस छठे लेक्चर के साथ फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं अपने लेक्चर में गार्जियन शब्द को भी जोड़ रहा हूँ। जोड़ने का कारण है, जितने भी गार्जियन इस वीडियो को देख रहे होंगे वे अपने बच्चों को चेक कर सकते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, तो अभी जो हम लोग छठा लेक्चर पढ़ेंगे, छठा लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज एंड असाइनमेंट। गार्जियंस कृपया ध्यान देंगे, इस छठे असाइनमेंट को हम डालेंगे इस छठे लेक्चर में, यानी छठा लेक्चर जो अभी हम बना रहे हैं इसमें इतना टॉपिक, जो सारा टॉपिक पीछे हम पढ़ा चुके हैं उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन है। अगर आपके बच्चे हमसे पढ़ते हो या कहीं अलग पढ़ते हो, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर आपका बच्चा सही बता रहा है या गलत बता रहा है, अगर आप वीडियो देखे हैं तो उसको चेक भी कर सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो गार्जियंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ हमारे जितने भी दोस्त टीचर हैं उनके लिए भी हमें पता है कि काफी हेल्पफुल है। हमारे जितने भी टीचर फ्रेंड्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का काम है अपने बच्चों के प्रति समर्पित होना, सहृदय भाव से उसको पढ़ाना, उसमें संस्कार भरना, उसमें सामाजिक सद्भाव भरना। अगर बच्चे सिर्फ पढ़ाई में आगे हैं तो किसी भी काम में वो आगे नहीं रह पाएंगे। बच्चों में हमें हर तरह का क्वालिटी फिलअप करना पड़ता है। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे टीचर दोस्त से मेरा रिक्वेस्ट है कि बच्चों में इन क्वालिटी को भी फिलअप करने के लिए जितना भरसक हो सके उतना भरसक प्रयास कीजिए। हम लोग क्लास में बच्चे को डिसिप्लिन बनाने का भरसक प्रयास करते हैं, अनडिसिप्लिन बच्चों को जितना हो सके उतना उसे सजा दिया जाता है, उसे बेवकूफ बनाया जाता है, उसके गार्जियन को बुलाया जाता है, गार्जियन से संपर्क करके उन्हें किसी प्रकार से सुधारने का भरसक प्रयास किया जाता है। तो हमारे टीचर फ्रेंड से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे में किसी प्रकार का कमी दिख रहा है तो उसे सुधारने के लिए आप भरसक प्रयास करें। अगर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक में कोई टॉपिक छूट गया है, तो जो भी टॉपिक छूट जाता है उसको कंप्लीट करने के लिए आप इस वीडियो को देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपसे भी कुछ छूट गया है, तो हमारे टीचर दोस्तों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कॉमेंट में हमें जरूर बताएं कि सर आपने इस टॉपिक को छोड़ दिया है। अगर नहीं छोड़ा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अवश्य दे अपने कमेंट में। तो चलते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है इसको देखते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि पहले हम बता दिए हैं कि 12th का रूट होता है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज के लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है, चार्ज का मेन फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद उसे न्यूमेरिकल बनाए थे। नेक्स्ट लेक्चर आया था 2, लेक्चर 2 में क्या क्या पढ़े थे, तो अदर यूनिट्स ऑफ चार्ज, फंडामेंटल चार्ज, उसके बाद वैल्यू ऑफ चार्ज और वैल्यू ऑफ मास, यह सब चीज पढ़े थे सेकेंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मास ऑफ एन एलिमेंट, देन पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज ऑफ गिवन मास ऑफ ए कंपाउंड। तो इतना पढ़े थे थर्ड लेक्चर में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे फोर्थ लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में क्या पढ़े थे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इसमें सारे टॉपिक में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग देखे थे, काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट लेक्चर 5वां आया था, 5वें लेक्चर में था चार्जिंग प्रोसेस, जिसमें 3 प्रोसेस बताए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। आज हम लोग का चल रहा है छठा लेक्चर, छठा लेक्चर में क्या पढ़ना है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चार्ज से रिलेटेड जो बच गया हुआ सब पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट के थ्रू अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं, और अगर आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चे को चेक कर सकते हैं, और अगर आप व्यूअर हैं तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप जो पढ़े उसके आधार पर आप कितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाते हैं।
अगर आपसे किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो कमेंट में हमें लिखे। फर्स्ट टॉपिक ऑफ लेक्चर 6 इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में आप लोग पहले से भी पीछे में पढ़ चुके हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है चार्ज का, चार्ज के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या राइट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, देन इट्स आंसर कैन बी रिटन एज शोन इन बोर्ड। अंडरस्टैंड इट। इट्स फर्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज स्केलर। आपने पढ़ा है, इसमें हम पढ़ा चुके हैं कि चार्ज जो होता है वो कैसा होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर होने के कारण इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ऑल आर अकॉर्डिंग टू सिंपल अलजेब्रिक मेथड। चार्ज स्केलर होने के कारण इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सबके सब होता है सिंपल अलजेब्रिक मेथड से। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि यह कंजर्व होता है, इट इज कंजर्व। कंजर्व में आप लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन में बताए थे कि चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो किसी भी सिस्टम का चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड बोलने का मतलब होता है कि चार्ज न तो इंक्रीज कर सकता है न ही डिक्रीज कर सकता है, दैट मीन्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यह जो बात हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, उसी को यहाँ पर कहा गया है कि यह क्या होता है, तो कंजर्व्ड होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज इट इज क्वांटाइज्ड। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, और लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में पढ़े थे कि चार्ज ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, दैट मीन्स q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनई। इस बात को कहा जाता है कि यह क्वांटाइज्ड होता है, इट इज क्वांटाइज्ड। फोर्थ प्रॉपर्टी इज इट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी चार्ज का फ्लो होता है लेकिन किधर से किधर होता है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, जिसके बारे में चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी थोड़ा सा समझे थे हम लोग कि अगर कोई अनचार्ज बॉडी होता है, दूसरा चार्ज बॉडी होता है और कॉन्टैक्ट में अगर ले आते हैं तो चार्ज बॉडी में से चार्ज का फ्लो हो जाता है किधर की ओर, तो जो अनचार्ज होता है उधर की ओर, जिसके कारण अनचार्ज बॉडी भी चार्ज हो जाता है। तो इस तरह चार्ज का फ्लो होता है किधर से किधर, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। अब यह हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसमें जानिएगा। अभी सीधा जान लीजिए कि चार्ज का फ्लो होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर, यानी अगर दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होगा तो उस स्थिति में चार्ज का फ्लो नहीं होगा। चार्ज का फ्लो होने के लिए एक बॉडी का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, दूसरे बॉडी का पोटेंशियल लो होना चाहिए, और निश्चित ही चार्ज का फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज ऑफ सेम नेचर रिपेल टू इच अदर एंड चार्ज ऑफ अपोजिट नेचर अट्रैक्ट टू इच अदर, यानी अगर सेम नेचर का चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करता है, अपोजिट नेचर का चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स प्लस प्लस रिपेल टू इच अदर, माइनस माइनस रिपेल टू इच अदर, एंड प्लस माइनस अट्रैक्ट टू इच अदर। तो इस तरह चार्ज का डिफरेंट प्रॉपर्टी है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो इसमें से कोई किसी भी प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अगर आपको तीन पॉइंट बनाना है तीन पॉइंट लिखिए, पांच पॉइंट बनाना है पांच पॉइंट भी लिखिए। तो चार्ज का प्रॉपर्टी समझ गए। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू चार्ज। इन दिस वी विल स्टडी अबाउट हिस्ट्री ऑफ चार्ज, दैट वेयर चार्ज वॉज डिस्कवर्ड एंड हाउ इट इज डिस्कवर्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड व्हेन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आर डिस्कवर्ड। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस पॉइंट। इन दिस फर्स्ट पॉइंट इज चार्ज वॉज इनिशियली डिस्कवर्ड बाई थेल्स ऑफ मिलेटस इन 600 BC। यानी चार्ज का जो सबसे पहले खोज हुआ था वह किसके द्वारा हुआ था, तो थेल्स के द्वारा, और वह थेल्स कहाँ का था, तो मिलेटस का था। और चार्ज का खोज सबसे पहले थेल्स के द्वारा कब हुआ था, तो 600 बीसी में। 600 बीसी बोलने का मतलब ईसा मसीह के डेथ के 600 साल पहले। यानी चार्ज का खोज अगर अभी आप जोड़े अभी से, तो अभी है 2020 इधर हो गया और 600 साल पहले, इसका मतलब हो गया 2620 साल पहले। अभी से 2620 साल पहले चार्ज का खोज हुआ था किसके द्वारा, तो थेल्स के द्वारा था। चार्ज का खोज किस प्रकार हुआ था, इस बात को सेकेंड पॉइंट में लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि इसमें येलो रेजनस सब्सटेंस को किसी क्लॉथ के साथ रब किया गया था, या यूं समझिए कि क्लॉथ को येलो रेजनस सब्सटेंस के साथ रब किया गया था। उसके बाद देखा गया था तो दोनों में अट्रैक्शन होने लगा था। जैसे ही किसी क्लॉथ को येलो रेजनस सब्सटेंस के साथ रगड़ा गया था, दोनों में आकर्षण पाया गया था, अट्रैक्शन पाया गया था। इसके आधार पर लोगों ने सोचा कि हाँ यह क्या हो गया, तो चार्ज्ड हो गया।
दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब चार्ज्ड हो गया। तो चार्ज्ड हो गया, इस तरह चार्ज व्हाट का प्रोडक्शन हुआ और किसके द्वारा हुआ था, थेल्स के द्वारा हुआ। अब इसी में अगला तीसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें जो येल्लो रेजनस सब्सटेंस होता है उसका नाम रखा गया था अम्बर। येल्लो रेजनस सब्सटेंस जो होता है उसका नाम क्या रखा गया था, तो अम्बर। और यह अम्बर जो है यह इसी का ग्रीक नेम होता है इलेक्ट्रॉन। अंबर का ही ग्रीक नेम होता है इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन वर्ड से हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, या इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यह सारा के सारा वर्ड का जो प्रोडक्शन हुआ है वह किससे हुआ है, तो इसी इलेक्ट्रॉन से हुआ है। और यह इलेक्ट्रॉन जो है वह ग्रीक नेम है किसका, तो अंबर का। अंबर क्या है, तो येल्लो रेजनस सब्सटेंस। येल्लो रेजनस सब्सटेंस हो गया अंबर, और इस अंबर का जो ग्रीक नेम है वह है इलेक्ट्रॉन। और इसी इलेक्ट्रॉन से हम लोग का वर्ड बना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा। तो दीज ऑल वर्ड्स आर कम्स थ्रू अंबर। नेक्स्ट टॉपिक इज इनिशियली चार्ल्स ड्यूफेस सेड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी चार्ज जो होता है वह दो टाइप्स का होता है, दो काइंड्स का होता है। इस बात को सबसे पहले किसने कहा था, तो चार्ल्स ड्यूफे ने। ड्यूफे ने सिर्फ इतना ही कहा था कि चार्ज कितना तरह का होता है, तो दो तरह का होता है। तो इस तरह चार्ज टू टाइप्स का होता है, इस बात को कहा था ड्यूफे ने। अब कैसे कहा था, तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम इबोनाइट रॉड को रगड़े कैट्स फर में, तो कैट्स फर पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद अगर हम ग्लास रॉड को रगड़े उलेन क्लॉथ में, तो ग्लास रॉड भी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर कैट्स फर को और ग्लास रॉड को एक जगह लाएंगे तो जरा सोचिए दोनों में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन। तो आप जानते हैं दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है मतलब दोनों में रिपल्सन होगा। तो यहाँ दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। उसी के जगह अगर हम ग्लास रॉड को उलेन क्लॉथ के पास लाएंगे तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब हो गया कि जो दो दो तरह का इसमें फेनोमेना हो रहा है, इससे यह रिजल्ट निकलता है कि चार्ज जो होगा वह भी दो तरह का होगा, जिसके कारण दो तरह का फेनोमेना हो रहा है, कहीं अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं रिपल्सन हो रहा है। तो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के आधार पर ड्यूफे ने यह बताया था कि चार्ज जो होता है वह दो तरह का होता है, लेकिन कौन कौन होता है यह नाम नहीं दिया था। चार्ज दो तरह का होता है ड्यूफे ने बोल दिया था, लेकिन नामकरण करने वाला जो साइंटिस्ट था वह था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के नेचर के बारे में बताया था कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरा चार्ज नेगेटिव होता है। यह किस आधार पर बताया था, तो चार्ज जो होता है, एक बॉडी का आप जानते हैं कि अगर दो बॉडी को रब करते हैं तो एक तो होता है प्लस हो जाता है, दूसरा माइनस हो जाता है। मतलब उस टाइम यह भी देखा गया था कि एक चार्ज ई होता है, एक चार्ज ई होता है, लेकिन दोनों को सटा देते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं तो फिर से जीरो हो जाता है। मतलब दोनों का चार्ज समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है मतलब जीरो हो जाता है। आप जरा सोचिए कि चार्ज ऑफ वन बॉडी इज प्लस टू एंड चार्ज ऑफ अनदर बॉडी इज माइनस टू, देन समेशन ऑफ प्लस टू एंड माइनस टू विल बी जीरो। That means it is clear that there are two kinds of charge. One charge can be written as positive charge and another charge can be written as negative charge. तो इस आधार पर चार्ल्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के बारे में बताया था कि जो दो काइंड्स का चार्ज होता है वो उसमें से एक चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। यानी नेचर ऑफ चार्ज का जो क्लासिफिकेशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखा हुआ है डिफिनेशन ऑफ पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलारिटी क्या होता है इसको समझिए, चार्ज दो तरह का होता है पॉजिटिव और निगेटिव। कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा इसको डिस्टिंग्विश करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है पोलारिटी ऑफ चार्ज। तो इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट टू काइंड्स ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड पोलारिटी ऑफ चार्ज। पोलारिटी का मतलब वह प्रॉपर्टी जिसके कारण दो काइंड्स का जो चार्ज होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब दोनों में विभेद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो आपको पता है कि अगर दो लाइक चार्जेस है देन दे रिपेल टू इच अदर, और अगर दो अनलाइक चार्जेस है दो देन दे अट्रैक्ट टू इच अदर। यानी लाइक चार्जेस रिपेल टू इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर। दिस इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि चार्ज को अगर हमें मेजर करना होगा या यह दिखाना होगा कि किस ऑब्जेक्ट में चार्ज है किस में नहीं है, तो उसके लिए हमको एक इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को कहा गया है इलेक्ट्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रोस्कोप इज सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट बाय विच चार्ज इज मेजर्ड। यानी द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस तरह चार्ज से रिलेटेड सारे पॉइंट्स को आप लोग समझ गए,
और इससे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारा टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 एंड लेक्चर 6, और ऑल लेक्चर्स आर रिलेटेड टू टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तो अगर चार्ज से रिलेटेड सारा टॉपिक पढ़ लिए हैं तो उसे क्वेश्चन बना के देखेंगे। अगर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसका आंसर बता देते हैं, इसका मतलब हो गया कि आप इस टॉपिक को ढंग से समझ चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए, और क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो बुक में से बनाएंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक से बनाएंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है उसके लिए हम अभी आपके सामने में क्वेश्चन का ग्रुप डाल रहे हैं, और क्वेश्चन के इस ग्रुप को कहा जाता है असाइनमेंट, यानी असाइनमेंट हम डालेंगे। इस असाइनमेंट को शुरू से अंत तक आपको सोल्व करना है। अगर आपसे सोल्यूशन हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो उस स्थिति में हमें कमेंट में कहेंगे या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, उसका सोल्यूशन हम आपको भेजेंगे। तो आगे चलते हैं असाइनमेंट की ओर। असाइनमेंट से पहले थोड़ा सा हम गार्जियन लोगों से भी बोलना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को देखे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से असाइनमेंट पे जितना भी क्वेश्चन है उसे बनवाइए, और उसके बाद आप स्वयं उसको चेक कीजिए, बनाया कि नहीं बनाया, कम से कम इतना तो आप चेक कर सकते हैं। तो सभी गार्जियन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से जो हम असाइनमेंट अभी दे रहे हैं उस असाइनमेंट का सोल्यूशन करवाइए। सही सोल्यूशन हो गलत सोल्यूशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बच्चा लोग धीरे धीरे ही सीखता है। अगर गलत बनाता है तो गलत बनाते बनाते ही सही बनाना सीखेगा। तो गलत हो सही हो अगर आपको चेक करना आता है तो ठीक है, चेक कीजिए। अगर आप चेक नहीं कर सकते हैं तो बैठ कर उसका सोल्यूशन करवाइए। तो इस रिक्वेस्ट के साथ हम आगे आप लोगों के बीच बढ़ते हैं असाइनमेंट के लिए। इनिशियली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन एट योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज स्टडीड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन सेकेंड क्वेश्चन, यू हैव टू टेल चार्ज इज स्केलर और वेक्टर। थर्ड क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज। फोर्थ क्वेश्चन, यू हैव टू टेल वैल्यू ऑफ 1 ESU इन कूलम्ब। इन फिफ्थ क्वेश्चन, यू हैव टू टेल वैल्यू ऑफ 1 कूलम्ब इन ESU। क्वेश्चन नंबर 6, If a body loses electron, the nature of charge appears on it is. 7th question, If a body loses electron, then mass of the body. 8th, dimensional formula of charge is. Question number 9, The scientist who said that charge is of two types. 10th question, The scientist who gave algebraic sign of a charge. In question number 11, Value of current is given 3 milliampere and that of time is given 5 seconds, then you have to obtain value of charge. 12. Charge of proton is. Question number 13. Which particle does not deviate in electric field? 14. Which deviate in electric field? Question number 15. Charge of nucleus of sodium atom is. 16. Charge at chlorine atom is. 17. Positive and negative charge at 1.6 gram oxygen element is. Question number 18. Positive and negative charge at 98 gram H2SO4. 19. Ratio of mass of proton and mass of electron is. 20. Minimum possible charge is known as. 21. Value of fundamental charge is. 22. According to law of quantization of charge. In question number 23, number of electrons are given 500. You have to obtain value of charge. 24, value of charge is minus 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb. You have to obtain number of electrons. 25, does charge of 32 into 10 to the power minus 21 coulomb is possible at a body? 26, for possible charge, value of n should be. 27, according to law of quantization of charge, charge at any body is always integer multiple of. 28. According to law of conservation of charge, charge of a system is always. 29. If a system contains two charges plus 3 microcoulomb and minus 3 microcoulomb, then total charge of the system is. 30. Charge neither be created nor be destroyed. It can only transmitted from one form to another form. This is. Question number 31, according to law of additivity of charge, charge is added by. 32, two similar bodies of charges Q1 and Q2 are taken in contact. When they are separated, then charge of each body is. 33, in charging by contact, two bodies are. 34, when ebonite rod is rubbed with cat's fur, then cat's fur becomes. Question number 35,
when comb is runs over dry air, then electron transmitted from 36. When uncharged body is charged without touching it, then this phenomena is known as 37. An uncharged body is taken in contact with a charged body of charge plus 20 microcoulomb. On separating, charges at each bodies will be 38. A uncharged pith ball can be attracted by a charged ball due to 39. To appear 1 coulomb charge at a body, number of transferred electron is 40. Properties of charge is. Now very short answer type questions are given at your screen. Answer of these questions should be given in one word or one sentence only. First question is, define charge. Second, does charge is a scalar or vector? Third, what is SI unit of charge? Fourth, what is relation between ESU and EMU? Fifth, does charge of a body changes due to motion? Sixth, when a body charged, then what effect produced at its mass? Question number 7, what are the smallest and largest unit of charge? Eighth, a body is positively charged, what is its meaning? Ninth, what is charge at alpha particle? 10th question, why an atom is neutral? 11, what is fundamental charge? 12, how we obtain that a charge is possible or not possible? 13, what is cause of charging of a body? 14th, how a metal sphere is charged without touching it? Question number 15 is, what is charge at nucleus of 7 nitrogen 14? 16th, write formula for positive and negative charge in given mass of a compound. 17th, what is number of atoms in 1.8 gram H2O? 18th, write number of protons in 1 molecule of H2SO4. 19th, how much electrons are present in 1 coulomb of charge? 20th, what is law of quantization of charge? 21st, what is law of conservation of charge? 22nd, what is law of additivity of charge? 23rd, write two fundamental properties of charge. 24th, what is main causes of quantization of charge? 25. Which is responsible for electricity, electron or proton? Now, short answer type questions are given at your screen. Answer of these questions should be given in 4 line or maximum in 1 page. Question number 26 is, write 5 units of charge. 27. Electron is responsible for electricity. Why? 28. Write charge of electron, proton, alpha particle, beta particle and gamma ray. 29. What do you understand by charging by friction? 30. What is charging by contact? Explain. 31. What is charging by induction? 32. When a comb runs over a dry air, then it attracts a small paper bits. Why? 33. Why conducting material is laminated at tires of an aeroplane? 34. Why metal string is suspended through a vehicle carrying inflammable material? 35. Does a charged body can attract an uncharged body kept near it? Explain. 36. Write any 5 properties of electric charge. 37. Distinguish between charge and mass. 38. High voltage current flows in wire, then a bird sitting on it flies. Why? Now 3 questions are from NCERT examples, in which 1.1 is, how can you charge a metal sphere positively without touching it? Example 1.2 is, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb? Example 1.3, how much positive and negative charge is there in a cup of water? Now 3 questions are given from NCERT exercise. Question number 1.4, 1.5 and 1.11, which is divided in 4 parts. Question number 1.1 contains 2 parts, in which part A is, explain meaning of the statement electric charge of a body is quantized. B, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with microscopic or large scale charge? Exercise 1.5, when a glass rod is rubbed with a silk cloth, charges appears on both. A similar phenomenon is observed with many observation is consistent with the law of conservation of charge. Exercise 1.11 contains 2 parts. A polythene piece rubbed with wool found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Part A,
Estimate the number of electrons transferred from which to which. Part B. Is there a transfer of mass from wool to polythene? Now 10 questions are taken from M. Karim Objective Numericals, in which first question is, from a neutral body 10 to the power 6 electrons are removed. Calculate the charge on the body. Second question is, calculate charge on a body if 1 million electrons are removed from it. Question number 3, calculate the charge on a body if 10 to the power 6 electrons are added to it. Fourth question is, calculate the charge on a body if 2 billion electrons are added to it. Fifth question is, calculate how many electrons may be removed from a body so that it may have a charge of plus 1 coulomb. Sixth question, how many electrons may be removed from a body so that it may have a charge of plus 1 micro coulomb. In question number 7, there are 3 parts. Each part value of charge is given and you have to obtain number of electrons. In A, charge is given minus 2 coulomb, in B, minus 5 millicoulomb, and in C, minus 0.4 microcoulomb. You have to obtain number of electrons. Question number 8. Can a body have a charge of 4.8 into 10 to the power minus 18 coulomb? 9. Can a body have a charge of 4.8 into 10 to the power minus 20 coulomb? 10. Can a body have a charge of A, 0.32 into 10 to the power minus 18 coulomb, B, 0.64 into 10 to the power minus 20 coulomb, and C, 4.8 into 10 to the power minus 21 coulomb. In this way, question number 8, 9 and 10, you have to obtain which charge is possible and which is not possible. तो इस तरह आप लोगों ने group of questions को देखा और group of questions में आप लोगों को various types of question दिया गया है. आप लोग से request है कि सबका solution करें. अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखें. अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखें. लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन का भी सोल्यूशन करें. न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सोल्व करें. लेकिन न्यूमेरिकल को सोल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप, जो कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके आधार पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद लास्ट में यूनिट डालना कंपलसरी है. तो जो वैल्यू पूछा जा रहा है उसका यूनिट भी भरेंगे. तो इस तरह सभी क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए और इसका आंसर हम आपको किसी रूप में कंपेयर करा देंगे. तो इस तरह लेक्चर 6 कंप्लीट होता है. और यह एक कहानी से समझिए. हम लोग 4-5 दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे और हम लोगों की गपशप का टॉपिक था कि आज के दुनिया में किसका इज्जत होता है, आज के दुनिया में किसका इज्जत होता है. तो किसी दोस्त का कहना था कि पैसे का इज्जत होता है, किसी दोस्त का कहना था कि संपत्ति का इज्जत होता है, किसी दोस्त का कहना था कि आदमी में जो क्वालिटी होता है उसका इज्जत होता है. तो इसी पर हम लोग का डिस्कशन चल रहा था. इस डिस्कशन को हम लोग हमारे दोस्त के दादाजी थे, बड़ी गौर से सुन रहे थे. वो धीरे धीरे चुपके चुपके चल के हम लोग के पास पहुंचे और पहुंच के कहा कि बउआ हमू बताई तो नहीं के. तो उन्होंने हम लोग को बताने का कोशिश किया. हम लोग क्या, हाँ हाँ दादाजी बताइए ना, जरूर बताइए. उन्होंने बताया कि बउआ न धन का इज्जत होता है, न पैसा का इज्जत होता है, न संपत्ति का इज्जत होता है. अगर इज्जत होता है तो ज्ञान का इज्जत होता है, विद्या का इज्जत होता है, और आप में जो संस्कार है उसका इज्जत होता है. तो अगर आपको इज्जत चाहिए तो इज्जत पाने के लिए आप में क्या होना चाहिए, तो आप में विद्या होना चाहिए, आप में बुद्धि होना चाहिए, आप विद्वान होने चाहिए, आप में लोगों को आदर करने का गुण होना चाहिए, मतलब संस्कार होना चाहिए. तो यह सब अगर आप में है तो आपका इज्जत इस दुनिया में होगा. आप जरा पीछे हिस्ट्री को देखिए. हिस्ट्री पढ़ाया जाता है तो क्यों पढ़ाया जाता है? हिस्ट्री पढ़ाने का मेन मकसद यही होता है कि पीछे जमाने में जो लोग करके गए उन लोगों के इतिहास को हम लोग देखते हैं कि कौन आदमी किस काम को किया गया है, करके गए हैं, जिसको हम लोग अच्छा मानते हैं और उस अच्छाई के आधार पर उनका जयकार करते हैं. कौन सा आदमी किस टाइप का बुरा काम करके गया है जिस काम के कारण उसको हम लोग गाली देते हैं. तो हिस्ट्री पढ़ाई का मेन मकसद होता है उस हिस्ट्री को अपने दिमाग में सेट करना और कुछ उस हिस्ट्री से कुछ सीख लेना कि अगर कोई बुरा काम किया है तो उसको अभी भी हम लोग गाली देते हैं. जितना हिस्ट्री में देखेंगे जितने लोग हैं जो गलत काम किए हैं उनका हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपके मन में आएगा कि नहीं बड़ी गड़बड़ आदमी था.
और जो अच्छा काम किए हैं उनका हमेशा हम लोग जय जयकार करते हैं। तो हम यह जो इज्जत होता है अपने कर्मों का होता है, अपने विद्वता का होता है। तो हमारी यही शुभकामना है आप लोगों से कि अपने कर्म के आधार पर आगे बढ़िए, अपने आप को विद्वान बनाइए। और यह विद्वान तभी अपने आप को आप बना सकते हैं जब आप में हर तरह का क्वालिटी होगा। मतलब आप पढ़ाई में भी आगे रहना चाहिए, सामाजिक कार्य में भी आपको आगे रहना चाहिए, लोगों का आदर सत्कार करने में भी आपको आगे रहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ हम अपना छठा लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का आएगा कूलम्ब्स लॉ। अगला टॉपिक हम लोग का स्टार्ट होगा कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब्स लॉ का शुरुआत होगा लेक्चर 7 से। तो तब तक के लिए क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कीजिए और वेट कीजिए कूलम्ब्स लॉ का। ओके, थैंक यू वेरी मच।